हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाईपिक्सल लाइक सर्वर्स। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट हाईपिक्सल लाइक सर्वर फॉर माइनक्राफ्ट पी, जो कि सेम हाईपिक्सल जैसे है और 2023 के अंदर खेलने जैसे है। तो लेट्स गो। तो नंबर वन पे गाइस, एज यूजुअल क्राफ्टर एसएमसी, जो कि आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को भाई ढेरों एडवेंचर्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, और ये सपोर्ट करता है माइनक्राफ्ट पी को 1.0 लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। और बाय द वे भाई, ये लैग नहीं मारता अगर हाई एंड मोबाइल है तो, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है हाई पिक्सल जैसा। जी हाँ भाई, इसको टोटली हाई पिक्सल तो नहीं कह सकते, बट भाई इसको हाई पिक्सल से कम भी नहीं कह सकते, बिकॉज गाइस आपको इसके अंदर हर चीज़ देखने को मिल जाती है, कस्टम आर्मर्स, कस्टम मॉब्स, फिर कस्टम इवेंट्स, साथ ही साथ गाइस आप लोगों को बिल्डर वॉन्स वगैरह देखने को तक मिल जाती है, स्लेयर मिशंस देखने को मिल जाते हैं, और भाई यूजुअली आप लोग आपके दोस्तों के साथ भी इसमें इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसको हाई पिक्सल से तो कम तो आप काउंट नहीं कर सकते भाई, बहुत ही सही है हाई पिक्सल जैसा, और माइनक्राफ्ट पी के लिए तो भाई ये एक भगवान बन चुका है हाई पिक्सल के अंदर, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा सर्वर है, जहाँ पे आप लोगों को कस्टम एन्चेंटमेंट्स देखने को मिल जाती है, रूइंस देखने को मिल जाती है, टैलिस्मैन्स देखने को मिल जाते हैं, आर्मर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ गाइस आप लोगों को कस्टम इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि स्पेशली भाई आप लोग खेल के कुछ रिवॉर्ड्स पा सकते हो, ठीक है। और अगर इन ऐप परचेसेस आपको अगर करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, जो कि आपको देखने को मिल जाता है, और आपके दोस्तों के साथ भी आप ये एडवेंचर साथ में कर सकते हो, जैसे कि आपके आइलैंड के अंदर आपके दोस्त को खेल लगा सकते हो, वो भी आपके साथ खेल सकते हैं। आपको आइलैंड भी दिखा देते हैं भाई क्राफ्टर एसएमसी का, तो चूँकि ये रहा भाई, हाँ ये थोड़ा मैंने बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हमारे थोड़े बहुत पैसे उठा लेते हैं, और बाय द वे गाइस, यहाँ पे हर एक जो भी मिनियंस है वो 24/7 ऑफलाइन वर्क करते हैं, जिससे आप लोगों को आराम से पैसा कमा सकते हो, ठीक है, और चीज़ें खरीद सकते हो। तो भाई बस ये रहा पूरा सर्वर, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भाई कोई बाउंड्री नहीं है भाई, जितना मन चाहे जितने आप इमेजिनेशन मतलब क्रिएटिव हो सकते हो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को भाई मॉब्स के मिनियंस भी देखने को मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मिनियंस होते हैं, यहाँ पे मॉब मिनियंस भी होते हैं। यहाँ पे प्लस भाई एन्चांटेड आपको ब्लेज रॉड मिलती है, जो कि आपको हाईपिक्सल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को केव्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, जो कि दिखा सकता हूँ भाई, देख लो, रुक जाओ भाई, आपको आर्मर्स भी दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये रहे भाई, देख लो, माइनर आर्मर, गोलम आर्मर, लैपिस आर्मर, पम्पकिन आर्मर, भाई कोई लिमिट नहीं है भाई, हद से ज़्यादा आर्मर है, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट अब केव के अंदर भी आपको ले जाते हैं भाई, केव भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रे भाई डीप कैनवास आपको दिखा देते हैं भाई, यहाँ पे केव्स भी कैसी होती है। तो ये रहा मैं, यार ये थोड़ा मेरा हाई एंड मोबाइल नहीं है ना भाई, इसके लिए थोड़ा बहुत ग्लिच होता है मेरे में, ठीक है। बट बाय द वे भाई, ये सर्वर भाई अगर आप हाई एंड मोबाइल के अंदर खेलते हो तो भाई बहुत ही ऑसम सर्वर है खेलने के लिए, ठीक है। आईपी पोर्ट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से ये सर्वर खेल सकते हो, ठीक है। और पहले ही अभी बता दूं भाई, ये सर्वर वर्क करता है लेटेस्ट वर्जन के अंदर, तो आप लोग आराम से खेल सकते हो, क्रैक प्लेयर्स भी खेल सकते हैं और ऑथेंटिकेटेड प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे गाइस केव, आपको दिखा दूँ, गोल्ड केव है, लैपिस केव है, एमरल्ड केव है, डायमंड केव है, फिर अपने लास्ट में सबसे जो हार्ड आती है वो है डेनवर्स केव, ठीक है, सबसे हार्ड है, वहाँ पे मॉब्स वगैरह भाई स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं, जो कि आपको आराम से मार दे अगर आर्मर अच्छा ना हो तो, ठीक है। तो भाई क्राफ्टर का यहीं एंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट अपना आता है भाई डार्क नेटवर्क, हाँ नाम पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, बट मैंने ऑफिशियली अभी लाइव के अंदर भी खेला हुआ था, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। ये रहा गाइस उसका मेन हब, जो कि आप देख सकते हो, हब नहीं कह सकते, मेन लॉबी है, जहाँ से आप लोगों को दूसरे सर्वर्स के ऊपर आप जा सकते हो। बाय द वे ये भी लेटेस्ट वर्जन के ऊपर सपोर्ट करता है, प्लस ये माइनक्राफ्ट पी और जावा दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो भाई पी प्लेयर भी आराम से खेल सकता है, जावा प्लेयर भी साथ में आराम से खेल सकता है, ठीक है। तो भाई ये आपको देखने को मिल जाएगी इसकी मेन लॉबी, जो कि भाई इतनी औसम और ख़तरनाक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ गाइस बैड वॉर्स खेल सकते हो, स्काई वॉर्स खेल सकते हो, स्काई ब्लॉक खेल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या खेलना है। तो ये रहा भाई स्काई ब्लॉक, चलते हैं हब की ओर। सो गाइस ये रहा हब, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे भी गाइस आप लोगों को निक्रॉन ब्लेड, एस्ट्रल ब्लेड, हाइपेरियम, फिर अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा भाई एंड, जहाँ पे ये टाइप के मॉब्स है जो कि आप देख सकते हो। अभी गाइस जो मैं चला रहा हूँ वो है नेक्रॉन ब्लेड, प्लस यहाँ पे गाइस आप लोगों को पैड देखने को मिल जाते हैं, कस्टम आर्मर्स, कस्टम टूल्स, जस्ट लाइक हाईपिक्सल। जी हाँ गाइस, जस्ट लाइक हाईपिक्सल, जो भी मैंने पहना है वो है नेक्रॉन आर्मर,
जो कि हाईपिक्सल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी गाइस आप लोगों को स्लेयर मिशंस कंप्लीट करने का मिल जाता है, प्लस आप लोगों को बिल्ट अप वॉन्स देखने को मिल जाती है, नाइट जिपर वगैरह सब देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रहा भाई आप लोगों का एंड, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कस्टम टूल्स है जो कि अभी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एस्पेक्ट ऑफ द एंड, एस्पेक्ट ऑफ द वॉइड नया आया हुआ है, एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन है, फिर उसके बाद गाइस नेक्रॉन ब्लेड, हाइपीरियम, देन बेस्टल क्रिस्टल, ऐसा कुछ नाम है उसका, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई ये रहा, देख लो भाई एंड जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे नेदर वगैरह सब अनलॉक है, बस आप लोगों को अनलॉक करना पड़ता है एज पर दी आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा भाई, देख लो नेक्रॉन ब्लेड है ये रहा, फिर ड्रैगन आर्म एस्ट्रल ये रही, हाइपीरियम भी है। तो भाई सारे आर्मर्स आपको सॉरी टूल्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट अगर आप लोगों को 90% ऑफ हाईपिक्सल लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोग ये सर्वर खेल के ले सकते हो। जस्ट लाइक हाईपिक्सल तो नहीं कह सकता, बट हाईपिक्सल से कम भी नहीं है ये सर्वर, ठीक है। तो भाई ये देख लो भाई, पटाखे फोड़ता है भाई ये वाला, मतलब ये वेपन तो, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, फिर अब बात करते हैं एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन की, एस्पेक्ट ऑफ द वॉर्ड एंड एस्पेक्ट ऑफ द एंड। एस्पेक्ट ऑफ द एंड गाइस एज यूजुअल सेम काम करता है, आप लोगों को टीपी वगैरह करवा के देता है। एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन यूज करने पे आप लोगों की एकदम ड्रैगन ब्रेथ निकलती है भाई, सीरियसली एक एग्जैक्ट ड्रैगन ब्रेथ, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ द वॉर्ड भी गाइस सेम एज अपना एस्पेक्ट ऑफ द एंड है, वो भी आपको ट्रैवल मतलब टीपी करेगा कुछ एरिया टू कुछ एरिया तक, ठीक है। मेरे को एक चीज एक्चुअली चेक करना है कि इसका डैमेज कितना जाता है, इसका ये नॉर्मल जो नॉर्मल नहीं कह सकते, इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है उससे कितना डैमेज आता है, तो इसके ऊपर मैं ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जा भाई, अरे यार रुक जा भाई रुक जा, हाँ एक जगह रुक जा रुक जा भाई। 12,900 का डैमेज था वो, 12,900 का डैमेज उसकी स्पेशल एबिलिटी से भाई साहब, एक नंबर भाई। इतना तो भाई मेरे कोई भी नॉर्मल वेपन का नहीं है। प्लस गाइस आपको, हाँ बाय द वे यहाँ पे अलग टाइप के आपको पैच भी देखने को मिलते हैं, फिनिक्स पैच, ड्रैगन पैच, बहुत सारे टाइप के, ठीक है। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हब की ओर, ये रहा उसका यूआई जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं अपने हब की ओर, ये रहा भाई, ठीक है। तो गाइस ये रहा नॉर्मल हब जो कि आप देख सकते हो, जस्ट लाइक हाईपिक्सल, बस थोड़े बहुत ओनर्स के यहाँ पे आप ओनर के फोटो आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, नाउ एक्सक्लूसिव मेयर, ओके यहाँ पे बिल्डर वन अवेलेबल हो चुकी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा कस्टम वेपन स्टोर, जहाँ पे आप देख सकते हो सबसे अलग अलग यहाँ पे आपको वेपन्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओ भाई डैमेज कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज है भाई यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपको मियर शॉप देखने को मिल जाती है गाइस, जहाँ से आप लोग वेपन्स वगैरह ले सकते हो और आर्मर भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर गाइस मेरे पास जो है वो है नेक्रॉन आर्मर, उससे ऊपर एक ही आर्मर है वो किसी के पास नहीं है अभी तक, ठीक है। मेरे पास जो है वो नेक्रॉन आर्मर है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर आप कह सकते हो इस पूरे सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ भी आप देख सकते हो, 915 हेल्थ है, 450 डैमेज है एंड 511 हमारी माना है, ठीक है। तो भाई ये रहा सब आपको एग्जैक्टली सब दिखा दिया मैंने, क्या क्या यहाँ पे है, ऑक्शन हाउस, बैंक वगैरह सब, जस्ट लाइक अपना हाईपिक्सल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को खेलना है, आईपी पोर्ट कमेंट सेक्शन के अंदर पिन में होगी, आप लोग आराम से खेल सकते हो। लेटेस्ट सर्वर में चलता है, मतलब लेटेस्ट माइनक्राफ्ट में चल जाता है, माइनक्राफ्ट जावा में भी सपोर्टेड है, प्लस पी के अंदर भी सपोर्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स आप आपके दोस्त के साथ खेल सकते हो, जो जावा प्लेयर भी है उसको आप बोल सकते हो भाई ये सर्वर में आ जा, साथ में मिलकर खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग मिनियन खरीद सकते हो, ठीक है। ये रहा आप लोग देख सकते हो मिनियन पूरा, आपको अगर खरीद रहा हूँ तो आराम से यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये फिर आपका फार्म, बैंक वगैरह जो एज यूजुअल है, आपको मैं इसका बाद में आपको एक पूरा प्रॉपर टूर भी दे दूंगा, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं थर्ड नंबर की ओर, जो कि होने वाला है अपना विनपिक्सल, जाना माना, ठीक है। तो भाई विनपिक्सल भी अब थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, ये रहा उसका मेन तो नहीं कह सकते, सबसे बाहर वाली जो तो गाइस ये पूरी लॉबी है जो कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को भाई विनपिक्सल का पार्कोर भी देखने को मिल जाता है, बेडवर्स देखने को मिल जाता है, स्काईवर्स भी देखने को मिल जाता है, मतलब स्काईवर्स नहीं बोल सकते, बेडवर्स। और यहाँ पे दो अलग टाइप का, एक गैलेक्सी है और एक अपना नॉर्मल यूनिवर्स है, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है वो गैलेक्सी का स्टेबल एंड अपग्रेडेड वर्जन है, पर अभी हम लोग गैलेक्सी में जाने वाले हैं, ठीक है। जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका आने वाला है पूरा का पूरा आइलैंड, ठीक है, छोटू सा,
जहाँ पे आपको फार्म्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपका कस्टम आर्मर्स विद नॉर्मल आर्मर्स, प्लस कस्टम टूल्स विद नॉर्मल टूल्स, ठीक है, तो सब देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन वर्किंग आपको मिनियंस देखने को मिल जाते हैं, 24/7 ऑफलाइन वर्क करते रहते हैं, प्लस आपको पैसे देते रहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे लगता है मेरे फैंस कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, फैंस से भी हम लोग मिलेंगे साइड में, बट आप लोगों को आर्मर के बारे में, यहाँ पे चीज़ों के बारे में बता दे। आपका आइलैंड आएगा वेल इक्विप्ड विद ऑल द इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली वर्क करते हैं। प्लस यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक छोटा सा फार्म देखने को मिल जाता है जो कि पम्पकिन, वाटरमेलन, शुगरकेन एंड वीट के रिलेटेड है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर अब गाइस बात करते हैं अपने हब की, तो मैं हब भी आपको दिखाने चलता हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे ओके भाई बिग शाउट आउट टू भाई रुद्र गेमर भाई, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर भाई, ये हमारे एक फैन है जो कि यहाँ पे मिलने आ गए हमसे, बिग शाउट आउट टू यू ब्रो। तो भाई अब चलते हब की ओर जो कि बिना डाइवर्स किए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हब की बात करें तो भाई एज यूजुअल नॉर्मल हब जैसा है, जहाँ पे आप लोगों को ऑक्शन हाउस वगैरह देखने को मिल जाता है, बस डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है यहाँ की, ठीक है। नॉर्मल स्टोर्स, फिर आपको रूइंस वगैरह यहाँ पे काम करती है, प्लस आपका नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, प्लस आपकी ऑक्शन हाउस है, ये रहा गाइस आपका ऑक्शन हाउस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को कोई भी चीज़ वगैरह खरीदनी है, यू कैन नॉर्मली परचेज फ्रॉम हियर। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल स्टोर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप लोगों को नॉर्मल आर्मर्स या टूल्स अगर आप लोगों को खरीदने हो तो के बराबर यहाँ से आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे बिल्डर्स वगैरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है विद कस्टम एन्चेंटमेंट्स, कस्टम रीइंफोर्समेंट, जस्ट लाइक सेम पीछे वाले दो सर्वर के बराबर, ठीक है। तो भाई ये देख लो पूरा का पूरा, आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी गाइस आप लोगों को ग्रेवियर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है, प्लस जहाँ पे भी स्लेयर मिशंस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से चलना है आप लोगों को, और यहाँ पे आपका ट्रीज का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बाय द वे, और यहाँ पे ये रहा भाई, ये क्या हो गया भाई, भाई पता नहीं यहाँ का कुछ अलग ही सीन है। और यहाँ पे गाइस पहले से ही आपका टेक्सचर पैक इक्विप्ड आएगा, जो कि आप यहाँ पे टेक्सचर पैक देख रहे हो, ठीक है। ये मेरा टेक्सचर पैक नहीं है, ये विनपिक्सल का ही टेक्सचर पैक है जो कि डायरेक्टली सर्वर के अंदर ही है, ठीक है, जो कि अच्छा मतलब लुक वगैरह देता है और सबसे अलग देता है। सो बस गाइस आज का वीडियो हम लोग यहाँ एंड करते हैं, होप सो आप लोगों को वीडियो के अंदर मजा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर शेयर गाइस। ये जितने भी सर्वर बताए ये अभी तक के टॉप 3 बेस्ट सर्वर है जो कि 2023 के अंदर आप लोग लेटेस्ट वर्जन के अंदर खेल सकते हो, आईपी पोर्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मिलता है तब तक, ले सी यू, टाटा एंड बाय।